पास प्लैनेट के 10 सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट है, शार्क से लेकर लायंस तक और वर्ल्ड के सबसे डेंजरस एनिमल्स तक। गेम ओवर। नंबर 10 पर है द लायन। ओह माय गुडनेस, रुको जिमी, एलिगेटर तो बहुत टफ होते हैं ना, तो ये एक लायन को कैसे बीट कर सकता है? लायंस शानदार शिकारी होते हैं, अपनी स्पीड और फुर्ती से शिकार को इस तरह पकड़ते हैं कि उसे एहसास भी नहीं होता। वैसे एक लायन एलिगेटर को कैसे काट सकता है? क्योंकि वो लायन है यार, कम ऑन। अच्छा, घर की बिल्ली पता है ना, वो एक स्मॉल लायन है। हाँ, ये बात तो सच है, अगर वो बड़े होते तो हमें खा जाते। ओह माय गॉड, अगर वो तुम्हारी तरफ दौड़ने लगे तो क्या करोगे? ओह, मेरी तो पैंट गीली हो जाती। नहीं, क्या वो जंप करेगा? ओह अरे वाह, अब समझा वो नंबर 10 पर क्यों है। तो कैट्स ही तो हैं यार, बस बड़ी कैट्स हैं। नंबर 9, स्नेक्स। स्नेक्स डेंजरस नहीं होते यार। स्नेक्स 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। 30 फीट? हाँ, ये हो सकता है। वो पूरा का पूरा एक सांप है? दो होंगे यार। ये 3 सांप हो सकते हैं ट्रेंच कोट पहने हुए। स्नेक्स के बारे में फन फैक्ट, जब उन्हें ठंड लगने लगती है तो वो एक जगह जमा होकर एक दूसरे से लिपट जाते हैं ऐसे। और अगर कदम रखा तो उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। कदम क्या रखना है, मैं तो लेट जाऊं उनके ऊपर। है बाथटब का। हाँ, वो ये वाले स्नेक्स नहीं थे, ये तो बहुत ही डेंजरस है यार। उस वक्त जो स्नेक्स थे वो जहरीले नहीं थे भाई। शायद था भी, इशारा काफी होगा। मेरे शरीर में पॉइजन भरा हुआ है। अजगर अपने शिकार को दबोचने के लिए उसे पूरी तरह से लपेट लेते हैं ताकि वो बच ना पाए। RKO! ये बहुत ही डेंजरस है यार, क्योंकि अजगर ने उसे पानी में दबोच रखा है। ओ, ये तो बहुत खतरनाक है। नंबर 8, जेलीफिश। बहुत सी जेलीफिश हार्मफुल नहीं होती, लेकिन कुछ आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। कुछ तो आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, और ये आदमी इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसको बोलते हैं हिम्मत, क्या बात है। एक सिंगल टेंटेकल मछली या रेयर केसेस में एक इंसान को मार सकता है। हाँ, वो उसे अपने स्टमक एसिड में घोलते हैं। ये जिंदा है और धीरे धीरे घुलता जाएगा बस। जेलीफिश से ज्यादा खतरनाक क्या पता है? क्या? नंबर 7, बेयर्स। बेयर? अरे वो टायलर ओलिवेरा है। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो मेरा दोस्त है। देखो, अगर वो पिंजरे के अंदर है तो कैमरामैन कहाँ पर है? जरा एक मिनट, कैमरामैन वाकई लाजवाब आदमी है। नहीं नहीं, अरे रुक जाओ। ओह गॉश, एक बेयर अटैक में अच्छी चीज जमीन पर से ही सामना करना है। हाँ, आपको जितना हो सके उतना बड़ा दिखना। बेयर अटैक करे तो मुझे बस ऐसे दिखना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना है, और चिल्लाना है भागो भालू। नहीं नहीं, जाओ जाओ हटो। क्या वो ठीक है? उसने बेयर के मुंह पर मारा और वो तुरंत वहाँ से भाग गया। वाओ, मुझे बेयर को पहले ही देख लेना चाहिए था। ओ वाओ, ये उन लोगों में से एक है जिसने भालू का सामना किया और जिंदा है। खाने की तलाश में भालू घरों और स्टोर्स में भी घुस जाते हैं। क्या इन्हें शॉपिंग आती नहीं है? उन्हें शॉप में चोरी करनी आती है। जरा सोचो, वो रोज आए, मन मुताबिक चीजें उठाए और चला भी जाए। वो भी समझ जाएगा कि ये मेरा फ्री का रेस्टोरेंट है और मैं कभी भी आ जा सकता हूँ यहाँ पर। नंबर 6, कैंगरूज। ओके, कैंगरूज, गुस्सा तो इनके नाक पर रहता है हमेशा। कैंगरू, अरे देखो, उसने डॉग को पकड़ रखा है सिर्फ एक हाथ से। देखो, इस आदमी के बराबर है पूरा। देखो, क्या ये रियल है? हाँ, उसने उसके मुंह पे पंच मारा। ये बहुत ही छोटा सा कैंगरू है। वो उसे परेशान क्यों कर रहा है? वो जमीन पर भी गिर गया। ओह माय गॉश, ये तो डरावना है। मुझे लगा ये पेड़ है। तुम्हें वो मूवी याद है, कैंगरू जैक? उसका नाम होना चाहिए था कैंगरू जैक्ड, क्योंकि उसमें मस्कुलर कैंगरूज थे। कैंगरूज 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा में 6 फीट से लेकर 25 फीट की छलांग लगा सकते हैं। ओह माय गॉड, कैंगरू उड़ते भी हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। और ये क्या सही पीओवी शॉट है यार, उसके स्वागत के लिए वहाँ कैंगरू खड़ा है। क्या क्या हाल है दोस्त? हे, हटो पीछे, हटो, दूर हटो। क्या बात है, उनका गुस्सा तो देखो यार। सोचो, अगर आसमान से कोई अननोन चीज उतर रही है तो तुम क्या बिना सोचे समझे उस पर मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ोगे? हाँ, मुझे लगेगा वो एक बर्ड और फूड है। ओ हाँ, वैसे ही ना, जैसे वो ड्रोन डिलीवरी सर्विस होती है। हाँ। क्या? नंबर 5, क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स खूंखार तरीके से शिकार करने में माहिर होते हैं। वो नजर भी नहीं आते। वो वाकई में नहीं दिख रहा। ओह माय गॉड, वो घात लगाकर छुपता है और जैसे शिकार पास में आता झपट पड़ता है। क्रोकोडाइल्स के काटने की ताकत लगभग 1680 केजी पर स्क्वायर इंच होती है। वो गाड़ी का टायर तक फाड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये वाला ऐसा करने वाला। हमें क्रोकोडाइल्स की जरूरत ही क्या है, उन्हें गायब कर देते हैं। प्लैनेट ने कोशिश की थी जब मीटियोर टकराया था, लेकिन तब वो बच गए। वो प्लैनेट से एक्सटिंक्ट होने से बच गए थे क्योंकि वो टफ है। देखो इसे। ओह माय गॉश, ऐसा ही होता है। तुम उसे भड़का रहे हो यार, फिर तो ऐसा ही होना था। देखो कैसे तरबूज को चकनाचूर कर दिया। मैं भी तरबूज तोड़ सकता। अमेजिंग।
उनका दिमाग इस चीज के लिए ट्रेन हो चुका है। ओह वाओ, पर क्या ये सांस नहीं लेते? फन फैक्ट, क्रोकोडाइल्स मैन्युअली सांस लेते हैं। जब वो सोते हैं तो उनका दिमाग सचेत रहता है और बताता है कि कब तक सांस रोकनी है। कितनी देर तक सांस रोक सकते? लगभग 24 घंटों तक। क्या बात कर रहे हो? मुझे क्रोकोडाइल्स बहुत पसंद है। नंबर 4, मूस। मूस 7 फीट से अधिक लंबा। अब वो अटैक मोड में आएगा। वो मूस तो बिल्कुल फ्लैशबैक में गया, जैसे उसे उसकी कोई फैमिली का मिल गया हो। बरसों पहले गुफा में रहने वाले लोग उसे अचानक याद आ गए होंगे। उसके अंदर कुछ जगह जिसने उसे अटैक करने से रोक दिया। ओह माय गॉश। अच्छा, क्या ये सच में रियल है? ये रियल है। अच्छा, मतलब कुछ मूस 7 फुट ऊंचे हो सकते हैं? 9 फीट। हमारे पूर्वज उनसे कैसे बच गए? ओह माय गॉश। वो पहले ही गिर गया, उसने सोचा छोड़ो यार ठीक है। वो 56 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। अरे बाप रे। अच्छा, मेरी स्पीड क्या होगी? शायद 3 किलोमीटर पर आर। अच्छा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, देखो वो लोग गर्लफ्रेंड के लिए लड़ रहे हैं। हीरोइन का हीरो कौन होगा? हाँ, कैसा रहेगा अगर इंसान भी सर भिड़ा कर अपने झगड़े करने लगे? खैर, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कुशन है। मेरे जुड़े में मेरी पावर है। नंबर 3, शार्क। तीसरा सबसे खतरनाक जानवर शार्क है, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर साल लाइटनिंग से ज्यादा मौतें होती हैं। अगर शार्क हर्ट करना चाहती है तो करेगी। ओह माय गॉश, क्या वो मेगलोडॉन है? शार्क सिर्फ भुक्कड़ होती हैं, उन्हें स्विम करना और खाना ही अच्छा एक लगता है। क्या ये रियल है? हाँ, तुमने देखा वो सारी मछलियाँ कैसे सर्कल में आ रही हैं? क्योंकि शार्क उनके चारों तरफ घूम रही हैं, इसलिए। ओह, ये फिश उस शार्क को अट्रैक्ट कर रही हैं। उत्तरी, ये क्या है? ओ, क्या? ओह माय गॉश, वहाँ बॉटम में देखो, वो डिस्कवरी पर है। तो अगर डिस्कवरी अलाउ करता है, तुम भी कर सकते हो। यूट्यूब करना ही होगा। यूट्यूब। नंबर 2, एलिफेंट्स। एलिफेंट्स। एलिफेंट्स डेंजरस नहीं होते? वो उसने बोला नहीं, ये मेरा इलाका है। इस एलिफेंट को उसकी फोटो लेना पसंद नहीं। उसकी मुस्कान देखो, फीकी पड़ गई, मूड खराब हो गया। उस लड़की का रिएक्शन देखो। तुम्हारा फोन नीचे गिरा, उसे उठा लो। नहीं, इसे उसका फोन चाहिए। अरे वाह, मैं यहाँ से आजाद होने वाला हूँ, मुझे अपने दोस्तों को कॉल करने दो। वो पूछ रहा है, ये फोन तुम्हारा है? ओह माय गॉश। ओह, आज तो ये वायलेंस के मूड में है यार। उसे शायद गाड़ियां पसंद नहीं है। अच्छा, ऐसे में नुकसान भरपाई कौन करता होगा? मेरे ख्याल से एलिफेंट, जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा वॉलेट। हे, ओह माय गॉश, उसे वो रिक्शा और मोटरसाइकिल बिल्कुल पसंद नहीं आए यार। उसने अब भी मोटरसाइकिल को नहीं छोड़ा है, लगता है ये उसका टूल है, बच्चा सीख रहा है। अगर हाथी आपके पीछे दौड़े तो आप भाग नहीं सकते, क्योंकि उनकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होती है। 40 किलोमीटर पर आवर? सब कुछ इतना तेज क्यों है? ओह गॉश, ये हाथी गुस्से में है। निकलो। अरे निकलो वहाँ से, मुंह देख रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ। और सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं हिप्पोस। देखते हैं क्यों। वो 32 किलोमीटर पर आर की स्पीड से स्विम कर सकते हैं। कोई इतना फास्ट क्यों है? क्योंकि ये डेंजरस लिस्ट है ना। फास्ट होना भी खतरनाक होने का हिस्सा होता है। ये मगरमच्छ गलत एरिया में आ गया और उसे जल्दी ही निपटा दिया गया। हाँ, लेकिन जरा देखो यार, 1/80 भारी पड़ रहे हैं, ऐसा तो होना ही था। देखो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ आना मना है। ओ माय गॉश, बेचारा, उसकी तो बैंड बजा रहे हैं यार, वो फिर भी उन्हें काट रहा है। बेटा, हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्रोकोडाइल बच गया। इनके जबड़े कुछ भी क्रश कर सकते हैं। ये तुम्हारा सर है, चकनाचूर, मजा आया ना। 816 kg पर स्क्वायर इंच की ताकत के साथ ये बहुत क्यूट होते हैं यार। ओ माय गॉड, कोई इतना डेंजरस होने के बाद क्यूट भी कैसे हो सकता है? अरे यार, हिप्पो, वो कह रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो बिल्कुल राजधानी की तरह आ रहा है। ओह माय गॉश, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जरा उस दूर खड़े लायन को देखो। अच्छा हुआ मैं पानी में नहीं उतरा। वो सोच रहा होगा इनका होने के बाद मैं जाऊंगा। ओह माय गॉश, ओके वो ठीक है, वो लायन बच गया। वो कह रहा है कि ये मेरा इलाका है। यहाँ मत आओ बेटा। कितना मोटा और चर्बीला है। तुम्हें मजे की बात पता है, एक तो वो बहुत ही मोटा है और उसे अपनी टेरिटरी पर किसी का आना भी पसंद नहीं है, तो वो ज्यादातर अमेरिकन्स की तरह ही है ना। गुड बाय।